हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लगभग 6:30 लगभग हो रहा है और ये अपना फार्म है। फार्म पे पहुंच रहा हूँ इस तरफ से, जो हम लोग खेत में पटवन वटवन किए थे मशीन चलाकर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई ना कोई भैंसा जो आवारा पशु होता है ना, वो आकर बैठ गया है और हमारे फार्म पे। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग खिलाते कैसे हैं। तो बहुत बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भैया आप खिलाते कैसे हैं, उस पर वीडियो बनाइए। चलिए वहाँ फार्म पे चलता हूँ और बताता हूँ। और यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ, काफी बढ़िया ग्रोथ हो रहा है मक्खन ग्रास का। अभी इसमें से बीज नहीं निकला है जो हम लोग बोए थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर एक जानकारी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे चैनल के माध्यम से, अगर आप फार्म कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, क्योंकि कोई नहीं बताता इतना असलियत, इतना ग्राउंड रिपोर्ट जो अपने फार्म पे होता है, हमारे फार्म पे हर एक सच्चाई। बहुत सारे ऐसे फार्म होंगे जहाँ पे खिलाने का तरीका होगा, जो मैं खिलाता हूँ चाहे वो गलत कर रहा हूँ चाहे सही कर रहा हूँ वो बता ही देता हूँ अक्सर हमारे वीडियो में आपने देखा है। फार्म पे आ गए, अभी मिल्किंग बाकी है, मतलब कुछ गायों का बाकी है, कुछ गायों का हुआ है। कौन सी गाय का हो गया वो देखना चाहते हैं। डेयरी में जो दूध जाता है वो चला गया, हाथ से थोड़ा बहुत मिल्क निकाला जा रहा है। कितना दूध था बाबू ये दोनों का दूध? दूध कितना था? किसका? इसका 11.5 kg। इसका तुम नहीं तो वजन किया? चलो पढ़ो। तो ये गाय का अभी आज 22वां दिन है, इसका जिस गाय का मिल्किंग हो रहा है, एक थन का डायरेक्ट हम लोग बच्चा पी लेता है, तीन थन से दूध निकालते हैं, एक थन हाथ में पकड़ के रख लेते हैं। तो देखते हैं इसका कितना मिल्क होता है, तीन थन का। ऐसे ही हम लोग रेगुलर कर रहे हैं अभी तक, जब तक कि इसका अभी कम्प्लीटली 1 महीना नहीं हो जाता, फिर बच्चे को बोतल से पिलाएंगे। वैसे बच्चा काफ़ी बढ़िया सब तंदुरुस्त है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव गाय है, बिना बच्चे का मिल्क नहीं निकालने देती है। इस वजह से हम लोग ने ऐसा प्लान किया था कि 3 बार इसको निकाल लेंगे, 1 बार इसका पूरा पी लेगी। जब हम दूध निकाल लेते हैं इस गाय का, उसके बाद की थन देख सकते हैं आप, लेकिन पहले का जो दिखाया नहीं, इस वजह से आपको इस बाद वाला भी पता नहीं चलेगा। काफ़ी बढ़िया टूटने लगा है इस गाय का, और थोड़ा बहुत जो मशीन से दूध रह जाता है तो हम लोग लास्ट में बछड़ी को छोड़ देते हैं ताकि वो भी पी जाए, लेकिन उसमें फैट होता है। वो चाहे कोशिश करना चाहिए कि वो निकाल लें, अगर आप डेयरी में दूध देते हैं या फिर आप कस्टमर को दूध दे रहे हैं तो लास्ट का दूध जरूर निकाल लें, ताकि आपको फैट वाला दूध भी यूज कर पाए। तो हम लोग जो मिल्किंग किए, 3 थन का मिल्क किए हैं, देखते हैं कितना दूध होता है। और मेरा दूध देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फैट वाला दूध आपको देखने मिल रहा होगा। इसका कारण सबसे बड़ा, हम लोग जो फीडिंग करा रहे हैं अभी, काफ़ी बढ़िया उसके कारण अभी अच्छा आ रहा है फैट। ऐसे में 10 kg 600 ग्राम बच्चा पिलाकर 3 बार में, आपने खुद देखा लाइव, हमने 3 बार में, अभी भी उसके अंदर थोड़ा बहुत मिल्क होगा, मैं भाई को बोलता हूँ या फिर मैं खुद निकाल के आता हूँ। तो हमने खुद इसका मिल्क निकाला, लगभग 100 ग्राम मिल्क निकला। मशीन से आप अगर थोड़ा लेट करते हैं तो पूरा दूध निकल ही जाता है लगभग लगभग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 70 ग्राम दूध समथिंग निकला, 10 kg 670 ग्राम। तो आप 4 बार का मिल्क आप समझ सकते हो कितना होगा। इवनिंग टाइम में 3 बार से लगभग 8.5 और 9 kg के बीच में दूध रहता है, यानी कि 22 से 24 kg के बीच में दूध इस गाय का अभी कर रही है। अभी 21 दिन हुआ है कम्प्लीटली। बताना चाहूँगा, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो मात्र मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर
या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि आजाद भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं, आप वीडियो में नंबर दे दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा और क्या पूरा मतलब ए टू जेड उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से एक टप है हमारे पास, वो टप देख रहे हैं, लगभग डेढ़ टप इसमें एक टाइम में भूसा देते हैं। उसके बाद इसमें उतना पानी डाला जाता है कि ये सिर्फ चल पाए। यहाँ पे आप देख रहे हो हल्का पानी दिखाना बटन इसमें का, पानी दिखाइए पानी। हाँ, तो यहाँ पे इतना पानी देते हैं कि अभी दाना मिक्स करेंगे। अभी इसमें बाल्टी से हमारा सब दाना यहाँ पे रखा हुआ है, अब हम लोग दाना मिक्स करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कि हम लोग क्या क्या मिक्स कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने चुन्नी डाला, चुन्नी मुझे मिल गया था चुन्नी, उसके बाद गेहूं का दर्रा। ये माप जो हमारा कटोरा का जो देख पा रहे हो लगभग 1.5 केजी का माप है। ये चना का बेसन लगभग 0.5 केजी और 1.5-1.75 केजी मान लो आप, वो तो 1.5-1.5 केजी, ये भी 1.25 केजी के करीब में, 3 हो गया 1.25, 3, ये 1.5 केजी लगभग हो गया, ये लगभग 250 ग्राम के लगभग, आप खुद वजन कर लेना अगर आप। ये सोया डीओसी हम लोग लाए थे तो थोड़ा बचा हुआ है, लगभग 250 ग्राम। मक्का 0.5 केजी, क्योंकि काफ़ी मक्का महंगा हो गया है अभी, तो मक्का का प्राइस हमने पता किया था 24 रुपये केजी है। और ये मक्के का बेसन हम लोग एक बोरा लेकर आए थे, काफ़ी बढ़िया बेसन है, तो ये 0.5 केजी के करीब में। वजन आप खुद तौल लेना। अब ये लगभग 125 ग्राम प्रीमिक्स है वो हमारा, जिसके कारण हमारा फैट, एसएलएफ और हर चीज़ बढ़ता है। दूध का क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया हुआ है, प्रीमिक्स का काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। ये मैं पर्सनली, मेरा फार्म का नहीं, बहुत सारे फार्म का रिजल्ट बढ़िया आया। ये हमारा इनर फैट हो गया, केमिन का ही है, तो ये लगभग 150 ग्राम एक टाइम में। ये हैवी मिलकर के हम लोग देते हैं, ये सोडा दिला जा रहा है, सोडा है ये, इसमें मेथोनिन और लाइसीजेम है। ये प्रोटीन के लिए, फैट एसएनएफ भी इससे भी बढ़ता है, ये हम लोग प्रोटीन के लिए बोल सकते हैं देते हैं। ये एक्स्ट्रा हम लोग मिनरल दे रहे हैं, जो कैप्रेक्स आता है, मैक्सिम आता है, मैक्सिम बोलते हैं उसको, वो दिया। और ये आप जो देख रहे हैं, ये इसको जेनिट्रो बोला जाता है, जो कि स्लो यूरिया का काम करता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इतना बारीक वाला, इसी का कारण, इसके काम ही ये है कि आपका गाय को आप धीरे धीरे स्लो मौसम में उसको नाइट्रोजन देता रहेगा पेट के अंदर। और ये आप जो देख पा रहे हैं, ये हाथ से डाला गया, जो इसका काम है टॉक्सिन का। तो अगर भूसा हमारा जो देख पा रहे हो सामने, भूसा में कोई किसी तरह का टॉक्सिन है तो उसके लिए दिया जाता है। तो ये लगभग 5 केजी प्लस हो जाता है वन टाइम में दाना। हैवी मिलकर गायों को दे रहा हूँ, जो हैवी मिलकर है, जहाँ पे आप सामने जो देख पा रहे हैं, लगभग 21-22-23 केजी दूध निकाल रही है अभी आज का मॉर्निंग का, जैसा कि उसने बोला लगभग 11.5 केजी, शाम का 10-10.5 केजी। तो ये हमारा मिल्क रहता है इस टाइम का। तो इसको हम लोग, अब हमारा भूटन भाई का काम बचा है, ले चलिए डालिए। तो इसके अंदर डाला गया और अब इसका मिक्सिंग चालू होगा। मिक्स कीजिए, फटाफट कीजिए। हम लोग पहले बेहतरीन तरीके से मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पानी डाल देते हैं, दोनों हाथ से चला दीजिएगा ना भूटान, चला दीजिए। चलाइए बढ़िया से, ऐसे सोनिए नहीं, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये जितना बढ़िया से चलाएंगे आप उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो भी आपका मेडिसिन जैसे प्रीमिक्स वगैरह जो दिए आपने, इसमें जेनेट्रो या फिर मिनरल, ये सभी चीज़ को मिक्स काफ़ी बढ़िया तरीके से कीजिए, ताकि आपकी गाय खाने में भी, खाने के बाद जो उसके पागुर में आए तो सब चीज़ आए। ये बहुत ज़रूरी रहता है
इसलिए लोग बड़े बड़े फार्मर टीएमआर लगाते हैं, जो कि हमारे पास टीएमआर की उपलब्धता नहीं है। चल देखिए खाने के लिए कैसा कर रही है, कभी इधर उधर एकदम परेशान करके रख देती है, इनको भूख सा लगा हुआ है। हो गया हो गया, खींचिए इधर। तो ये अब इसका खाना स्टार्ट हो गया, काफी बढ़िया खाने में। अब जो हमारे पास गाय आ गई 15-20 दिन एक महीना रह जाती है ना, तो खाने में इनका काफी बढ़िया हो जाता है। जाइए वो वाला बाल्टी दीजिए। तो सेम उसी तरह उसको भी उस दूसरे गाय के लिए भी निकाल लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग दाना का अनुमान आप लगा सकते हैं, लगभग 5 kg के करीब में हो ही जाता है। डालिए किसी एक में, डालिए किसी में, डालिए आराम से डालिए, उड़ना नहीं चाहिए बटन, बेस्ट चलाइए एकदम बढ़िया से, प्यार से, मोहब्बत से, ऊपर खींचा नहीं जाता है इसको। कैसे चलाया जाता है पता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यस चलिए ले चलिए, हाथ झाड़िए इसी में, हाथ झाड़िए, हाँ चलिए खींचिए। अब इसका नंबर है, वो देखिए वो गाय खाने के लिए कैसा कर रही है। तो जो गाय हमारे पास प्रीमिक्स जो दीजिएगा ना, इसमें ईस्ट का कमाल है, ये खाने के लिए इतना बेकाब हो जाती है। किसी एक में डाल के लाइए फटाफट, ईस्ट के वजह से। ये अगर आप ईस्ट यूज कर रहा होगा कोई भाई, अगर जो फार्मर न्यूट्रिशन का मास्टर होगा वो जानता होगा ईस्ट बहुत काम करता है। अगर ईस्ट आप देते हैं काफ़ी बढ़िया मात्रा में, तो आपकी गाय को भूख लगेगा और पाचन शक्ति बढ़ेगा, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ईस्ट। तो इसको भी लगभग उतना ही दाना मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से चला दिया गया, मात्र 5-7 मिनट के अंदर पूरा खा लेगी। उसके बाद हम लोग हरा चारा इसके सामने डाल देते हैं। बरसीम आज तक लास्ट था, अब दूसरा कटिंग चालू होगा तो बरसीम मिलेगा। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट हरा चारा जई है, तो जई आज काटने चलूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा जई। जई का साइज कोई खास बड़ा तो नहीं हुआ है, बट काटना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे फार्म पे हरा चारा खत्म हो गया है। जई के बाद हमारा फिर चलने वाला है मक्खन ग्रास। मक्खन ग्रास जब चलता है ना तो फैट भी बढ़ जाता है और काफ़ी बढ़िया हो जाता है फैट इसने बढ़ के। तो लक्ष्मी का दूध निकाल लिए हम लोग, 3 बाट से निकालते हैं। एक खराब वाला बाट का दूध हम लोग निकालते नहीं है, उसका थोड़ा बहुत जो बच्चा पीता है बच्चा बांधो। इसका दूध यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 6-7 kg के बीच में इस टाइम है रहता है, और लगभग इवनिंग के टाइम में भी थोड़ा माइनर रहता है 6 kg के करीब में। और अभी बच्चा अगर पूरा समझ लीजिए दूध निकल ही गया है, बच्चे को बाहर से पिला दिया जाएगा। तो लगभग 10-15 मिनट में वेट किया, तो कौन सी गाय पूरा खा ली यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा चाट के इसको हटा दो। अब यहाँ पे आपको दूसरी गाय को दिखाना चाहूँगा। चल ये अभी इसका ये खाने के लिए बेदम है, वो उसका ये खाने के लिए बेदम है, मतलब इस तरह से होता है। और वो कभी इसका खींच लेगा कभी उसका खींच लेगा, तो परेशान करके रख देता है। तो इस वजह से मुझे नाद बनवाना है इधर फ्यूचर में, अभी नाद कुछ दिन बाद बनेगा। और इसका थोड़ा सा यहाँ पे आपको छोड़ना दिख रहा है। आप लोगों को नई वाली गाय के बारे में बता देते हैं, नई वाली गाय का अभी मिल्किंग हुई नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बेस्ट है, थोड़ी दुबली तो ज़रूर है, लेकिन हम लोग गाय जो खरीदे थे ब्रीड देख कर ही खरीदे थे, थन बाट देखने के बाद ही खरीदे, हम लोगों को काफ़ी पसंद आया था। लेकिन जितना दूध का अनुमान हमने अभी तक लगाया था, अभी तक उतना दूध पे आई नहीं है, देखते हैं कितने दिन में आती है। अभी मैं दूध इसका नहीं बता रहा हूँ, जब तक हमारा जो दूध हम लोग मतलब हम लोग अनुमान लगा के खरीदे हैं, अगर उतना दूध नहीं आती है तो हम लोग लॉस में हैं, वरना बराबर पे हो जाएंगे अगर दूध कर देती है तो। अभी भी लगभग 10-15 दिन के बीच में हुआ है बच्चा देकर इसको, तो देखते हैं कितने दिन में दूध पे आती है। तो ये था फार्म का अपडेट, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।